लड़कियों को हमेशा डोमिनेट करना नीचा दिखाना डाउन करना तेन दिनों में कोई कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है खेसारी सारी लाल से जुड़ी हुई क उनको घमंड है मेरे जैसा यहाँ पे कोई नहीं है और मुझसे ऊपर कोई नहीं हो सकता आपको उनसे कोई खास रिश्ता था पाँच साल आप लोगों ने डेट किया एक दूसरे को यस वो मेरिड थे वो बट वो किसी और के साथ रिलेशन में थे शायद बट उनका जब ब्रेकअप हुआ था तो कुछ टाइम बाद है कि कुछ महीनों बाद ज़्यादा ही तो फिर उन्होंने हम लोग ने साथ में फिल्म स्टार्ट की एक तो वहाँ पे उनको फिर मुझसे भी प्यार हो गया yes. किस तरह का वीडियो था वो फिज़िकल हो रहा था वो किसी के साथ अभी अपने ही ऑफिस में उसका वीडियो मेरे पास आया एंड फिर उसके बाद फिर हमारा ब्रेकअप हुआ दो दिन बाद या एक दिन बाद मेरा इवेंट था दो दिन पहले उनका इवेंट था और वहाँ जाके बोल किया है कि काजल ने मुझे धोखा दिया है तब लोगों ने मेरे कमेंट्स में इंस्टाग्राम और फेसबुक या कहीं पे भी कहीं मैं कुछ पोस्ट करूँ धोखेबाज धोखेबाज एंड ऑल बहुत गंदे गंदे चीप चिप कमेंट्स डालना स्टार्ट किया दो दिन बाद समस्तीपुर इवेंट करने के लिए तो वहाँ पे मेरे गाड़ी पे हमला करवाया गया था और ये इंसान मज़े ले रहा था उस चीज़ का काजल मैं अभी देख रही हूँ कि आप बात करते तो हुए भी इमोशनल हो रहे हो मैं इमोशनल नहीं हूँ मैं कांप रही हूँ मेरे देखो मैं मतलब <laughs> कितनी ज़्यादा इमोशनली अटैच थी उस रिलेशनशिप। बहुत ज़्यादा मैंने उस इंसान के साथ अगर मैंने पाँच साल जो बिताए हैं शायद ही वो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता मैंने उसकी उतनी सेवा की उनकी पत्नी नहीं क्या की होगी इन्होंने बहुत सारी लड़कियों की लाइफ के साथ खेला है फिर तो मैं कहा था कि डिफेंडर से उतर के टेम्पो में जाके बैठेंगी तो फिर आ, उसको डिफेंडर में वापस कोई क्यों बिठाएगा मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया मैंने सच बोला लेकिन है। आपने अभी हेल्दी रिलेशन की बात करी को मौका मिलता है फिर से के सारी लाल के साथ अब तो बिल्कुल कर नहीं करूंगी मैं और ये कॉल्स मुझे तक भी आ रहे हैं कि भाई हमको फ़ोन आया था बोलने के लिए बोल रहे हैं लेकिन हम लोग क्यों बोलेंगे और जैसा हीरो चाहता है हम लोग वैसा करेंगे तो शायद हमें आगे फ्यूचर हमारा अच्छा होगा और आज के डेट में भी ये सब चीज़ें होती है हमारी इंडस्ट्री में नमस्कार आप देख रहे हैं एनटी लाइव आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और मेरे साथ एक ऐसी स्पेशल गेस्ट हैं कहने को तो वो गुजरात की बेटी हैं लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्होंने इतना नाम कमा लिया है काजल जी स्वागत है आपका हमारे शो पे कैसे हो आप मैं बहुत अच्छी हूँ आप कैसे हो मैं एकदम बढ़िया तो 14 साल ये कैसे रहे भोजपुरी इंडस्ट्री में आपके लिए फोर्टीन ईयर्स स्टार्टिंग में तो uh, मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रगल हुआ था बिकॉज मैं पहले से ही किसी इंडस्ट्री से मैं आई थी अदर इंडस्ट्री से गुजराती सो so, मुझे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा और एक्टिंग uh, हो या डांसिंग हो या मतलब सब लोगों के बारे में जानती थी ये मेकअप मैन ऐसे होता है मतलब hmm. सारा चीज़ फील्ड पूरा जानती थी टेक्नीशियंस एंड ऑल सब तो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं हुआ बस लैंग्वेज को लेके थोड़ा सा था तो धीरे 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 वो भी सीख लिया ठीक है तो गुजराती होने का और उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने का कोई बेनिफिट ऐसा लगा गुजराती इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी मेरे लिए आज भी अच्छी है और क्योंकि मैं गुजराती हूँ गुजरात से प्यार है और वहां पे मैं इन्जॉय करती थी वर्क को बस वहाँ पे मेरे लिए एक माइनस पॉइंट था क्योंकि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है और वहाँ के जो एक्टर्स हैं उनकी हाइट शॉर्ट है मुझसे <laughs> मतलब चार चार पाँच पाँच इंच ऐसे इतनी छोटी छोटी थी तो वो भी एक कारण था और मतलब कुछ मेरे हुआ और मुझे भोजपुर इंडस्ट्री में लोगों ने बोला कि आप ट्राई करो और लकीली हो गया यहाँ पर मेरा सो so, अब फोर्टीन इयर्स हो गया मतलब मैं आधी मतलब बिहार यूपी की हो चुकी हो काजल अगर मैं बात करूँ रिसेंट दिनों में कोई एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है खेसारी लाल से जुड़ी हुई उस पर क्या कहना चाहेंगे आप क्या है वो जैसे कि खेसारी जी बिहार से बिलोंग करते हैं और वहाँ के सुपरस्टार है वो यहाँ तक कि लोग तो ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं नो डाउट वो बहुत वर्किंग है मेहनत करते हैं बस आ, शायद आ, उम्मीद से ज़्यादा उन्होंने अपने लिए देख लिए या पैसे कमा लिए तो शायद उस चीज़ का उनको घमंड है कि आ, मतलब मेरे जैसा यहाँ पे कोई नहीं है और मुझसे ऊपर कोई नहीं हो सकता सो so, उस चीज़ का शायद उनको घमंड है और वो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो अपने ऊपर किसी को देखना ही नहीं चाहते और वो ज़्यादातर कॉम्पटिशन लड़कियों से भी करते हैं जहाँ तक मैंने देखा है तो लड़कियों को हमेशा डोमिनेट करना नीचा दिखाना डाउन करना और शायद ही मतलब मैंने सुना है जब स्टार्टिंग में आई थी मैं उन्होंने सानिया मिर्जा है टेनिस जो हमारी प्लेयर है ऑलराउंडर जो भी इंटरनेशनल प्लेयर है तो उनके ऊपर भी उन्होंने गाना बनाया था और वही स्टोरी बताते थे कि उसके बाद उनको जेल भी हुई थी क्योंकि वहाँ से कुछ आया था उनके ऊपर उनके नाम का यूज़ किया था सो so, उसके बाद वो फेमस भी हुए एंड देन वो लड़की बन के ही डांस भी करते थे लड़कियों का पहनावा लेके हर एक चीज़ करते थे इवेंट्स करते प्रोग्राम में हर एक चीज़ करते थे उसके बाद लड़कियों के ऊपर कई गाने उन्होंने बनाए हैं हाँ आपको उनसे कोई ख़ास रिश्ता था पाँच साल आप लोगों ने डेट किया एक दूसरे को यस yes, वो मेरिड uh, थे वो बट ये जर्नी हमारी जैसे स्टार्ट हुई थी हम फिल्म कर रहे थे मेहंदी लगा के रखना उसके पहले भी हमने तीन चार फिल्में कर चुके हम लोग तब वो किसी और के साथ रिलेशन में थे शायद बट उनका जब ब्रेकअप हुआ था तो कुछ टाइम बाद है कि कुछ महीनों बाद ज़्यादा ही तो फिर उन्होंने हम लोग ने साथ में फिल्म स्टार्ट की एक तो वहाँ पे उनको फिर मुझसे भी प्यार हो गया और आ, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में फिर जैसे होते हैं कुछ लोग होते हैं फिल्डिंग लगाने वाले लोग जो चाहते हैं कि हम लोग हीरो के पैर दबाएंगे, उनके मतलब पैरों में गिरे रहेंगे और जैसा हीरो चाहता है हम लोग वैसा करेंगे तो शायद हमें आगे फ्यूचर हमारा अच्छा होगा और आज के डेट में भी ये सब चीज़ें होती है हमारी इंडस्ट्री में चाहे डायरेक्टर हो चाहे प्रोड्यूसर हो मतलब पैरों में गिरे रहेंगे हीरो के अच्छा। कोई <laughs> कोई कुछ करता है कोई खैनी बना के देगा तो कोई कुछ बना के देगा तो कोई कुछ लेके आएगा उन्हें लगता है कि उनसे वो आगे मुझे लगता है।, है उनको ये चीज का डर है कि हम लोग कैपेबल नहीं है उनको अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं है शायद इस वजह से तो फिर आ... जैसे हम लोग मिले थे एक फिल्म के सेट पे मेहंदी लगा के रखना हमारे पब्लिक बहुत अच्छे तरह से जानते हैं बहुत काफ़ी हिट रही और उस फिल्म से हमारी पैर बहुत हिट हुई बिकॉज उसकी स्टोरी बहुत अच्छी थी मेकिंग अच्छा हुआ था प्रोडक्शन वैल्यू एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा था सारे आर्टिस्ट अच्छे थे बट आफ्टर शूटिंग ना खेसारी जी को घमंड हो गया कि ये फिल्म सिर्फ मेरी वजह से चली है खेसारी जी की वजह से बट होती है फिल्म सिर्फ एक की वजह से नहीं बनती है सारे रोल इक्वल इक्वल जाते हैं सबका एक होता है तो उनको ऐसा लगता है कि बस मैं ही हूँ मैं राजा हूँ यहाँ का तो उनका ये घमंड है और वहां पे मेरे सामने कई लोगों ने बोला कि बाबू वो सुसाइड कर लेगा वो मर जाएगा अच्छा, क्योंकि मुझे पटाना था अच्छा पटाने के लिए मतलब पहले ही दूसरे दिन से उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया था ये तब की बात है जब आप लोग डेट कर रहे थे नहीं ये स्टार्ट है अच्छा ये स्टार्ट है सो so, उस उस मूवी से स्टार्ट हुआ था ये चीज़ है सारा तो वहाँ पे मैं उनके पहले उसको जानती थी उनको जानती थी बट इतना नहीं पता था कि ये इतनी ओवर एक्टिंग करते हैं लड़कियों को पटाने के लिए बिकॉज मैं अपने काम से ही मतलब रखती थी तो वहाँ पे फिर आ, कुछ हमारे यूनिट के मतलब बड़े लेवल पे कहूँगी तो उन्होंने कहा बाबू मर जाएगा ये सुसाइड कर लेगा उसको संभाल लो फिर बाद में एज अ फ्रेंड एज अूमन बींग हम लोग किसी को सांत्वना देते हैं तो मैं उनको वही बोलने गई कि डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं अगर कुछ हुआ है तो लाइफ में ठीक होता है तो उस चीज़ का स्ट्रेस लेके मत चलो आगे बढ़ो खुश रहो तो फिर बाद में धीरे धीरे करके फिर दो दिन में उनको प्यार भी हो गया हाँ।, दो दिन। हाँ हाँ फिर उसके बाद फिर उन्होंने अपनी बीवी की कहानी बताना स्टार्ट किया कि मेरे घर में मुझसे कोई प्यार नहीं करता है मेरी बीवी को सिर्फ पैसों से पैसों से प्यार करती है उसको पैसों का लालच है और मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते उनको भी पैसों का लालच है और मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है मुझे गाली देती है खाना नहीं देती है मैं रात को भूखा सो जाता बातें वो हैं जो उन्होंने अपने मुंह से कही है, अपनी बीवी के बारे में येस yes, उसके बाद मैं डिवोर्स देने वाला हूँ हम लोग बहुत जल्दी अलग हो जाएंगे हमारा कोई रिलेशन नहीं है इतनी सारी चीज़ें होने के बाद फिर उसका मैं बीबी से बात नहीं करता कहीं मतलब सालों से हमारी बात नहीं हुई है हम लोग रिलेशन में नहीं हैं बहुत सारी चीज़ें होने के बाद हर चीज़ होने के बाद लड़की पट गई <laughs> फिर uh, कैरिंग उतनी होने लगी फिर सुसाइड करने का रोना धोना पैरों में गिरना ये सब चीज़ें बहुत हुआ मेरे पास और उसके बाद फिर uh, ये खेसारी लाल और आपकी रिलेशनशिप से से स्टार्ट हो से स्टार्ट हो गई इन्हीं चीजों लेकिन आपको उस टाइम पे पता था कि वो मैरिड है तो वो मुझे पता था कैसे आ गई आप यही सब चीजें ना कि बाबू मैं तुमसे शादी करूँगा हम लोग दो साल वर्क करेंगे साथ में और ज्यादातर साथ ही में रहते थे क्योंकि हम लोग मुझे लग रहा है कि साल में हम लोग कम से कम छः सात फिल्म पाँच छः फिल्में मतलब छः सात भी नहीं पाँच छः फिल्म में हम लोग करते थे तो महीना महीने का फिल्म का हमारा वो रहता ही था स्केड्यूल रहता था तो साथ ही में रहते थे शायद ही मतलब हम लोग मुझे नहीं लगता हम लोग घर जो जाते थे और पता नहीं घर भी हम लोग कितने दिन रहते थे ऐसा होता था ज़्यादातर हम लोग सेट पर ही रहते हैं तो वहाँ पे सारी कैरिंग एंड ऑल सारी चीज़ें उनके लोगों का भी केयर है और सारी चीज़ है हाँ तो उन्होंने जब अपनी बीवी के बारे में आपको बताते थे तो उससे डेफिनेटली आपको ही लगता होगा भी बात भी, नहीं करते थे ना बात अच्छा। भी नहीं करते थे तो उसके बाद ये आप दोनों का रिलेशनशिप एंड कैसे हुआ कोई वजह हाँ ये रिलेशन जो है फाइव इयर्स कंटिन्यू रहा था बिकॉज मैं अपने साइड से बहुत लॉयल थी और मेरा एक वो है कि नहीं आ, अगर मेरा कोई रिलेशन है तो मैं उस चीज़ को ना अपनी जान से ज़्यादा उसको मैं वो देती हूँ तवज्जो देती हूँ और मुझ मैं बहुत डरती हूँ अपने रिश्ते खोने से मेरा ये एक माइनस पॉइंट ही समझ लो मैं बहुत डरती हूँ या फिर मैं पूरी ब्लैंक हो जाती हूँ अपने रिश्ते के लिए तो फिर वही चीज़ है तो मैंने उनको ब्लाइंडली मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट किया और उसी जैसे होता ही है प्यार अंधा होता है जैसे अंधा ट्रस्ट अगर हम लोग करते हैं धोखा तो खाना ही खाना है सो चेम चीज़, सेम चीज़ें हैं मेरे साथ भी वही चीज़ें हुई उसके बाद फिर लोग मुझे कहते भी थे कि वो तुम्हें चीट कर रहा है तुम समझ नहीं रही हो तुम्हें पता नहीं चल रहा है अच्छा, जब आगे मुझे मुझे कई लोग बोलते थे मैं एक्चुअली ना समझती और आज बहुत मैच्योर हो चुकी हूँ लेकिन चीज़ें जितना मैं सह चुकी हूँ तो उस समय मैं बहुत ना समझती मैं किसी पे मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती थी जिससे मैं प्यार करती हूँ बस मेरे लिए वही हैं इवन मैं अपने फैमिली की भी नहीं सुनती थी सो so, यहाँ तक मैं पहुँच गई थी और वो झटका कैसे लगा फिर यस वो <laughs> बाद में आ, बस एक हमारा एक पॉइंट आया था आ, जैसे उनका मैंने किसी ने मुझे फिर प्रूफ दिया उनका मैं बोलती थी हमेशा कि आप मुझे कोई भी मुझे आप प्रूफ लाके दो तो मैं यकीन करूँगी तो फिर मेरे पास एक लाइव वीडियो आया उनका एंड दैट टाइम मतलब मैं एकदम ऐसे काँप रही थी मतलब ये क्या हो रहा है वीडियो यस yes. वीडियो फिजिकल हो रहा था वो किसी के साथ अभी अपने ही ऑफिस में सो so, उसका वीडियो मेरे पास आया एंड फिर उसके बाद फिर हमारा ब्रेकअप हुआ उसके बाद फिर मैंने उनसे रिलेशन तोड़ा था तो उसके और उसके बाद जब रिलेशन टूटा है और जब उनको ये चीज़ पता चली कि मैं मैंने उनको पूछा कि तुम उस दिन तुम तुम्हारे ऑफ़िस में क्या कर रहे थे बोलते तो मैं मीटिंग कर रहा था मैं सो गया था मैं ये कर रहा था वो कर रहा था फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल बहुत किया है कुछ महीने बाद फिर मैं उनसे मिली थी और वो मुझसे दूर भाग रहे थे बिकॉज़ उनको लग गया था एक कि आइडिया लग गया था कि कुछ तो है कुछ तो है कुछ तो हुआ है और मैं भी दूर दूर रहने लगी थी बिकॉज मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना था आज ये जो चीज़ हो रही है मैं इनसे बहुत दूर रहती हूँ बिकॉज मैं इन चीज़ों से डरती नहीं हूँ बट मुझे मेरी मम्मी का बहुत वो था कि नहीं फिर मम्मी के ऊपर ब्लेम नहीं होना चाहिए उंगली नहीं उठनी चाहिए तो फिर ये हुआ तो कुछ महीनों बाद फिर मैंने उनको वो वीडियो दिखाया इन दैट टाइम ही वाज जस्ट साइलेंस मतलब कुछ भी नहीं वो लॉक थे अपना उनका मुंह लॉक था कुछ भी नहीं बोल सकते थे वो ना कुछ उन्होंने बोला तो उस टाइम मैंने अपनी पूरी भड़ास निकाली थी मैंने पूछा था ये क्या है अगर तुम तो वहाँ पर वर्क करने जाते हो अपने ऑफिस में तो ये क्या है तो बोलता है कि मुझे किसी ने पिला दिया था मुझे किसी ने ब्लैंक कर दिया और मुझे पता ही नहीं चला ये कैसे हुआ कब वो लड़की आई मतलब लिटरली दिख रहा है तुम फिजिकल हो रहे हो तुम उठ रहे हो बैठ रहे हो क्या कर रहे हो जो भी एक्स वाई जेड है तो मतलब अंधे हो क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा यहाँ लग भी रहा है तुम ब्लैंक हो तो बोल रहा है कि सबकी चाल है न सारी चीज़ें उसके बाद ब्रेकअप हो गया ख़त्म हो गया वहाँ पे किस्सा एंड देन उसने जैसे लाइव शोज करते हैं वो लाइव शो में जाके वो बोलता कि काजल ने मुझे धोखा दिया खुद धोखा देकर नाम आपका लगा यस yes. तो उन्होंने आई uh, गेस कौन सा तो इवेंट था मैन पार्ट का ही था छत्तीसगढ़ uh, में इवेंट हुआ था दो दिन बाद या एक दिन बाद मेरा इवेंट था दो दिन पहले उनका इवेंट था और वहाँ जाके बोल किया है कि काजल ने मुझे धोखा दिया है वो इसलिए बोलते हैं कि उनकी पब्लिक जो है उनको जो लाइक करती हैं, जो अंधविश्वास में जी रही है उनको लेके कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है भगवान है नो डाउट वो करते होंगे कुछ किया होगा इक्का तुक्का कुछ किया होगा बट दिखाते बहुत है कि मैं बहुत कुछ करता हूँ दुनिया बहुत बड़ी है ना कैमरा कितने दिन कि, कितना वो कैप्चर कर सकता है तो तुमको उतना ही बड़ा लग जाएगा लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है हर दुनिया के कोने में जाके पूछो कि केसारी जी आए थे यहाँ पे लेकिन नहीं कोई सब अंधे हैं एक्चुअली वहाँ पे सब प्यार है जैसे मैं प्यार में अंधी हुई थी <laughs> तो फिर वहाँ पे उस इवेंट में उन्होंने कहा कि मैं धोखेबाजू काजल ने मुझे धोखा दिया है ताकि पब्लिक मुझ पर कुछ अटैक करे या समथिंग मुझे गाली गलोच करे या ऐसा कुछ लेकिन वहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी थी उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था मेरे ऊपर और दो तीन दिन बाद जब ये वीडियोस आना स्टार्ट हुए तब लोगों ने मेरे कमेंट्स में इंस्टाग्राम हो फेसबुक या कहीं पे भी कहीं मैं कुछ पोस्ट करूँ धोखेबाज धोखेबाज एंड ऑल बहुत गंदे गंदे चीप चिप कमेंट्स डालना स्टार्ट किया मेरे ऊपर और ये इंसान मजे ले रहा था उस चीज का काजल मैं अभी देख रही हूँ कि आप बात करते हुए भी इमोशनल हो रहे हो मैं इमोशनल नहीं हूं मैं कांप रही हूँ मेरे देखो मैं <laughs> मतलब मैं बिकॉज़ मैंने बहुत गंदा फील हुआ है मुझे मैंने बहुत चीजें सही हैं कितनी ज्यादा इमोशनली अटैच्ड थी उस रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मैंने उस इंसान के साथ अगर मैंने 5 साल जो बिताए हैं शायद ही वो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता मैंने उसकी उतनी सेवा की उनकी पत्नी ने क्या की होगी मैंने उसकी उतनी सेवा की है वो थकता था तो मैं दिन रात उसके पैर दबाती थी क्योंकि मैं उस... वो मुझे बोलता था तुम मेरी पत्नी हो मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मुझे पति जी ही बोलो अगर मैं कहीं जाती थी तो उनके सारे लोग भाभी जी भाभी जी करते हैं और भाभी भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं भाभी भैया तो ये भाभी वो। भैया वो लोग थे जो उनके आसपास रहते थे आपको पागल बना रहे थे उनके साथ मिलके ऑफ कोर्स करते हैं वही तो बोल मैन्यूपुलेट करते हैं कि भाई भैया तुम्हारा ही है भैया सिर्फ तुमसे प्यार करता है ये चीज़ है तो अगला क्वेश्चन मैं इसी तरह से आपसे पूछती हूँ बाहर निकले वो उन्होंने आपके बारे में भी खूब बातें बोली एक चीज़ उन्होंने ये बोली कि मेरे को छूने के लिए औकात चाहिए क्या बोलेंगे उस पर क्या जवाब होगा वो उनका घमंड बोल रहा है ना औकात चाहिए उनको छूने के लिए मुझे लगता है कि आप जैसे इंसान को हम जैसी लड़कियों को छूने के लिए औकात चाहिए शायद इसी वजह से भले महादेव कृष्णा ने हमारे जो भी मेरे भगवान हैं उन्होंने भले ही देर से आँख खोली लेकिन खोली जरूर जो अंधविश्वास में लड़कियां रहती हैं कि नहीं और मैं खास करके गर्ल्स जो भी है ना जो अंधी होती है प्यार में मैं उनसे कहना चाहूँगी इतना अगर लॉयल बंदा है तो आप उसे बोलो चलो शादी करते हैं तब आपको रियलिटी उसकी पता चल जाएगी मेरे ख्याल से ये जो रियलिटी है ये सिर्फ आप ही के साथ एक आपको रियलिटी चेक नहीं मिला है भोजपुरी इंडस्ट्री की और भी लड़कियां हैं जो इस टाइम पर उन पे ऐसे ऐसे बहुत सारी लड़कियों ने फेस किया है और इन्होंने बहुत सारी लड़कियों की लाइफ के साथ खेला है और स्टिल ही इज़ प्लेइंग अभी भी खेल रहे हैं अभी भी खेल रहे हैं और मैं तो चाहूँगी कि जैसा वो इंसान है उसको वैसी लड़की मिले महादेव करे कि उसको वैसा मिले और वो बर्दाश्त करे जो उन्होंने हम जैसी लड़कियों को फेस करवाया है इस सब के होने के बाद कहीं काम मर आपको ऐसा कहीं काम में आपको ऐसा लगा कि हाँ नहीं मेरे को पीछे खींचा जा रहा है या मेरे को काम नहीं दिलवाने दिया जा रहा है जिस वक्त उनके साथ ब्रेकअप हुआ था उसके बाद से इनका एक लॉजिक है इनका एक वो है उनकी टीम है और हर एक चीज़ तो ये सबको बोल देते हैं कि जो भी इस लड़की के साथ काम करेगा उसके साथ मैं काम नहीं करूँगा तो हमारे जैसे मैं डोमिनेटिंग हमारी इंडस्ट्री है और कुछ ज़्यादा ही है तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती हैं जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि फ़िल्में तो हीरो से चलती हैं तो मतलब अब हम लोग क्या कर सकते हैं मतलब आप सही हैं आप सही है आप सही है लेकिन फिल्म तो हीरो से चलती है ना बिकेगी कैसे ये और आज की डेट में भगवान ने ये खेल खेला है पता नहीं क्या है उनकी नीयत उनके कर्म जो भी हैं आज की डेट में मैं झूठ नहीं बोलूंगी उन किसी की भी फिल्म में नहीं चल रही है किसी की भी रिकवरी नहीं हो रही है थिएटर्स ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं कुछ इक्का दुक्का बचे हुए हैं तो जो भी प्रोड्यूसर्स फिल्में बना रहे हैं किसी की रिकवरी नहीं हो रही है ऐसे एक इमोशनल स्टेज पर आप थी जिस टाइम पर ये सब हुआ आपको धोखा दिया गया कैसे उससे बाहर निकली क्योंकि एक ही इंडस्ट्री में आए दिन आसपास दिख जाएंगे टकराएंगे सी uh, मेरी मामा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मैं मतलब लिटरली मैं रात रात भर रोती रहती थी जैसे हर लड़कियाँ रोती होंगी जो भी फेस करती होगी मैं बहुत रोई हूँ और मैंने मतलब दिल से नहीं आत्मा से रूह से वो आ निकलती है ना वो बहुत निकली है उस इंसान के लिए और आज के डेट में मुझे जैसे मैं लड़की हूँ आप भी एक लड़की हैं आप आपके भी कई ड्रीम्स होंगे कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ तो मैं ये अचीव करूँ मैं अपने लिए अपनों अपने सपनों का घर लूँ जो जैसा मैं चाहती हूँ या गाड़ी लूँ ड्रीम सबके होते हैं मैंने अपना ड्रीम उसको एक मेरे बर्थडे के दिन मैंने उसको अपना एक ड्रीम बताया है कि मेरा सपना है कि मैं एक फ़ोर बी के घर लूँ मेरे बंगलों के सपने नहीं हैं मुझे फ्लैट पसंद है तो मैंने फोर बी के फ्लैट बोला और मैंने बोला मर्सिडीज़ कार मुझे पसंद है तो मैं वो एक लूँ मैंने बोला मैं लूँ मेहनत लू, करके सो so, सामने वाला अगर आप मेरी बॉयफ्रेंड होती तो आप क्या रिप्लाई करेंगी उस चीज़ के लिए हाँ ये बोल सकते हैं ये भी बोल सकते कोई बात नहीं बाबू मेहनत करो हम लोग मेहनत करेंगे करेंगे मतलब भगवान मतलब भगवान ने चाहा तो ज़रूर होगा इंसान ये बोलता है ना उसने ये बोला मुझे कि बेटा जितनी औकात होती है उतने सपने देखो तो उस टाइम मैं लिटरली मेरा बर्थडे है उस दिन और मैं रो रही हूँ उस टाइम के मतलब मैं इससे प्यार करती हूँ उसके बावजूद मैं अंधी थी उसके प्यार में लेकिन जिस टाइम पर नो uh, डाउट no इतना एक फेमस कपल है सबको पता था कि आप लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हो आपके घर वालों को भी डेफिनेटली पता होगा ये ये हुँ। भी पता होगा कि वो शादीशुदा है उस टाइम पर फैमिली का क्या रिएक्शन था साथ दिया कि एक ऐसे इंसान से प्यार करना जिसके बच्चे हैं शादीशुदा हैं आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जैसे मेरी मम्मी को हिंट था मेरे भाई को हिंट था नहीं था पता नहीं बट यस अब लोग बोलते हैं तो इंडस्ट्री है सुनते हैं हर एक चीज़ होती है बट इतना नहीं लड़ी तो मैं ही हूँ मैंने अपनी फैमिली तक पहुँचने नहीं, नहीं दिया इन सब चीज़ों को हर्ट भी हुई हूँ जो भी फेस किया है मैंने अकेले में किया है मैं अकेले रोती थी बिकॉज मम्मी नहीं रहती थी साथ में मैं अकेले रोती रहती थी अकेले फेस करती थी उसने जितने भी मतलब जाति की है मेरे साथ हर एक चीज़ मैंने अकेले सहा आए मैंने मम्मी को कभी इन्वॉल्व नहीं किया बिकॉज वो मेरी गलती थी तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं हर्ट हो और वो उससे डबल हर्ट होती मुझे देख के तो इस वजह से मैंने उनसे अलग ही रखा था हर एक चीज ठीक है अगर हम वापस उसी पे जाएं जो आजकल वो बयान दे रहे हैं उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू में अभी रिसेंटली वो लोग ये बुलवा रहे हैं अपने लोगों से मतलब फोन करके कि भाई आप लोग ना केसारी भैया के सपोर्ट में कुछ बोलिए और ये कॉल्स मुझे तक भी आ रहे हैं कि भाई हमको फोन आया था बोलने के लिए बोल रहे हैं लेकिन हम लोग क्यों बोलेंगे हाँ अभी जैसे कि उन्होंने शुभांकर मिश्रा जी जो पॉडकास्ट करते हैं उनके इंटरव्यू में कहा था कि डिफेंडर से उतर के टेम्पो में जाके बैठेंगी तो फिर उसको डिफेंडर में वापस कोई क्यों बिठाएगा ऐसा औकात होनी चाहिए छूने की मुझे ऐसा तो मैंने उस पर उनको जवाब दिया था कि पैदा होते ही आप डिफेंडर में ही बैठ गए थे क्या तो उस चीज़ को ले उन लो, वो लोग बहुत भड़के क्यों भड़क भड़कना क्यों है आप जब लड़कियों को बदनाम कर रहे हो अपने इंटरव्यूज़ में हर एक जगह आप उनकी बदनामी कर रहे हो उनके चरित्र पे इतना उंगली उठा रहे हो हर एक चीज़ कर रहे हो उनकी करियर ख़त्म करने तक की बातें करवा रहे हो तो लड़की अगर अपने स्टैंड के लिए खड़ी हो रही है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों है जो आपने घुमाया बात उसी का जवाब दिया है ना उन्होंने बोला डिफेंडर से उतरकर ऑटो में बैठेगी तो वापस डिफेंडर yes. में थोड़ी बिठाऊंगा हाँ राइट right. तो उनके हिसाब से जो अदर आर्टिस्ट हमारे इंडस्ट्री में वो है वो टेम्पो वाले हैं और वो ऑटो वाले हैं उनके हिसाब से बिकॉज डिफेंडर तो पूरे इंडस्ट्री में उन्हीं के पास है ना और उन्होंने पैदा होते ही खरीद ली थी तो ये बातें हैं और उसका ही जवाब दिया तो उसके बाद मेरे ऊपर उन्होंने बहुत गंदे गंदे इंटरव्यूज दिलवाना लोगों से बुलवाना जो अश्लील गाने बनाते हैं अश्लील भाषा यूज़ करके सबको ट्रोल करते हैं और सिर्फ के सारे ही अच्छा रहता है उन लोग के लिए उनसे हर एक चीज़ करवाना बट मैं उनको जवाब भी नहीं देना चाहूँगी उनको जवाब महादेव देंगे कर्म तो ऊपर लिखे जाएंगे ये बात है जब आप लोगों का ब्रेकअप हुआ क्योंकि तो सारी लाल ने आपसे कोई कॉन्टेक्ट किया बाद में कोई अपोलॉजी मैं अपोलॉजी तो नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपके से <laughs> क्योंकि इतना आपको धमकियाँ मिली उसके बाद उसके बाद आई थिंक हम दो तीन साल तो हम दो तीन साल तो बिल्कुल भी वो बातचीत नहीं थी और कभी कभार कहीं पे बिकॉज मुझे एक uh, नॉर्मल जैसे हम लोग को एक्टर्स हैं तो कहीं ना कहीं मुलाकात तो होनी ही होनी है सो so, वो चीज़ें मुझे अपना माइंड वॉश मैंने कर लिया था मैंने अपने जहन से हर चीज़ें साइड में रख दी थी मुझे कुछ भी याद नहीं रखना था बिकॉज मुझे वर्क करना है मेरी फैमिली मेरे पे डिपेंडेंट है तो मैं चीज़ें बॉलीवुड uh, मतलब बॉलीवुड में भी कई लोग uh, होते हैं जो ब्रेकअप के बाद भी वर्क करते हैं साथ में तो मुझे एक नॉर्मल हेल्दी रिलेशन ठीक है वो जो भी हुआ मेरा फ्यूचर में लिखा था क्या था क्या नहीं था या उनका क्या था जो भी था उन्होंने चीट करना था हर एक चीज़ था तो मैं वो समझ के मैंने सोचा था एक नॉर्मल रिलेशन रहेगा वर्क करेंगे बिकॉज़ बहुत सारे हमारे ऑडियंस है जो हम दोनों को साथ में देखना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं चाहते होंगे जो क्योंकि मैंने उन उनपे इतना बड़ा वो लगाया है बट मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया मैंने सच बोला है लेकिन आपने अभी हेल्दी रिलेशन की बात करी तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी आज आपको ऐसे स्टेज पर हो आपको मौका मिलता है फिर सेल के, के साथ अब तो बिल्कुल कर नहीं करूंगी मैं बिकॉज वो इंटरव्यू जो मैंने दिया है उसके बाद मैं गई थी दो दिन बाद समस्तीपुर इवेंट करने के लिए तो वहाँ पे मेरी गाड़ी पे हमला करवाया गया था उस टाइम मैं डरी थी बहुत बिकॉज ये किस्सा मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ जब तुमको पता था शादीशुदा है तो तुम उनके रिलेशन में क्यों आए भाई जब तुमको पता था कि तुम शादीशुदा हो दो बच्चे के बाप हो तो तुम इतनी सारी लड़कियाँ पटा ही क्यों रहे हो जो एक साइड ये भी बोलता है कि मेरी बीवी विश्व है मेरे लिए मेरी बीवी हीरोइन है तारीफ़ ही करते हैं तो हर दो महीने जो तुम लड़कियों के साथ जो करते हो वो क्या है और हर सेट पे उनके लिए प्यार की डेफिनेशन क्या होगी सेक्स उस टाइम पे भी ये चीज़ हुई थी उस टाइम वो किसी और के साथ अफेयर में आए थे और मुझे पता चल गया था तो मैंने और मुझे उनके उसी फ़ोन में उनके फ़ोन में उसकी न्यूड फोटोज़ मिली थी जो उन्होंने स्क्रीनशॉट मारी थी वीडियो कॉल पे। मैंने उस लड़की को भी बोला कि क्या चल रहा है ये तो बोले उनसे पूछो क्या चल रहा है बाद में बोलती क्या बकवास कर रही हो एंड ऑल सारी चीज़ फिर मैंने उसको फोटो ही डायरेक्ट भेजा मतलब लड़की को पता ही नहीं है कि मैं नहीं पता उसको वीडियो बना रहा यस और वो इंसान ऐसा है कि वो अपने पैसे का रजनीगंधा तक नहीं खा सकता चिंदी बैठे-बैठे ओ वाओ नाइस ब्रेसलेट ये आपके हाथ में सूट नहीं कर रहा दे दो मुझे <laughs> <laughs> फिर पहन लिया सो आई गेस ऐसे ही उन्होंने अपना सोना भी बनाया है बहुत सारा भैया ऐसे हैं वैसे हैं भैया को खुश करिए आप भैया को किस तरह खुश करिए अभी रिसेंटली एक लड़के पे ऊपर ब्लेम डाल दिया जिनके रिलेशन से बाहर निकले भाई साहब कि भाई आ, कोई मुझे मारना चाहता है कोई लड़की मुझे मारने की कोशिश कर रही है ऐसे काटने का एक्टिंग करेगा बाबू मैं अभी काट के तुम्हारी मांग भर देता हूँ एंड ऑल सारी चीजें ये चीज आपके साथ हुई करता है ना अभी रिजन ने दो दिन पहले उसी से बात कर रही थी मैं लड़की से तो सारी कहानी मुझे बता रही थी मैंने बोला तो सिर्फ स्टार्ट कर मैं पूरा एंड कर दूंगी <laughs> फिर बोलता है कि चीटर कहीं का सबको एक ही डायलॉग चिपकाता है क्या <laughs> मैंने बोला हाँ वही काम है <laughs>